एबीपीएस न्यूज, एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक आशापुर में स्थित भमोरी गांव पड़ा। लगभग 3000 की आबादी वाला यह गांव ब्लॉक से 6 किलोमीटर दूर तथा जिला मुख्यालय से 44 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्तमान में प्रताप सिंह गांव के प्रधान हैं। लगभग 1250 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में वर्तमान समय में लगभग 255 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 104 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 40 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से 9 हैंडपंपों को वर्तमान प्रधान द्वारा रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 25 विद्युत पोल, 5 विद्युत ट्रांसफार्मर व 28 सोलर लाइट भी लगी हुई है। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 2 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, विद्यालय में मरम्मत कार्य, पानी निकासी के लिए नाली व तालाब का निर्माण भी कराया गया है। वहीं वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान ने गांव में सीसीटाइस रोड, खड़ंजे, शमशान घाट की बाउंड्री, बारात घर, कब्रिस्तान की बाउंड्री, पानी निकासी के लिए नाला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधान पुत्र पुष्पेंद्र सिंह, ग्राम भमोरी, ग्राम पंचायत अम्बियापुर, ब्लॉक आशापुर, जिला बदायूं, तहसील बिसौली, तहसील मतलब के ये जो सरकार ने मुझे पैसे दिए हैं उसे मैंने बहुत अच्छी तरह से लगाया है और जो संपूर्ण बहुत अच्छे काम कराए हैं। सी सी है, लाइट है, लाइटिंग है और कुछ मेरे यहाँ पर कुछ कमी भी हैं, जैसे कहते हैं शमशान भूमि की बाउंड्री है, तालाब को पक्का कराना है और स्कूल में भराव मट्टी कार्य जो पूरा होगा वो अच्छी बात है और कुछ सरकार मुझे पैसे और ज़्यादा दे कि जो मैं जिन लोगों को मैंने वादा किया है जो मैं संपूर्ण कार्य से पूरा करूं। गरीब परिवार हैं जो रुक जाता हूँ, जो गरीब परिवार हैं उन्हें आवास दिए जाएं और जो मतलब कहते बहुत ऐसे हैं नाले हैं जिन्हें पक्का कराया जाए।